सौ एपिसोड तक हम पहुंच गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत हमने सुन ली जान ली अल्हम्दुलिल्लाह ला मुख्तसर तौर पे आखिरी एपिसोड में मेरा टॉपिक रहेगा मुख्तर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तर वाक़ात पूरी ज़िंदगी के बारे में तो आइए चलते हैं मक्की दौर मदनी दौर पहले मक्की दौर पाँच सौ सत्तर ईस्वी में नबी वसल्लम के वालिद की वफ़ात हुई पाँच सौ इकहत्तर ईस्वी में नबी वसल्लम मक्का में पैदा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट ही में थे कि आपके अब्बा दुनिया से गुजर गए फिर इसी तरह पाँच सौ छिहत्तर ईस्वी में वालिदा की वफ़ात हुई आमिना की आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला और अम्मी का नाम आमिना फिर इसी तरह पाँच सौ अठहत्तर ईस्वी में दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात हुई पाँच सौ तिरासी ईस्वी में सीरिया शाम का आपने सफ़र किया पाँच सौ पंचानवे ईस्वी में उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ील् ताल से शादी हुई छः सौ दस ईस्वी में पहली वही उतरी अकराब मब का लदी खलक गार में मक्का के अंदर छः सौ दस ईस्वी में आप नबी बनाए गए छः सौ तेरह ईस्वी में कुरैश के सामने आपने पैगाम रखा सब बातें रखी छः सौ पंद्रह ईस्वी में हफशा की तरफ हिजरत कुछ साहब कराम ने की छः सौ सो सोलह ईस्वी में बनु हाशिम ने बाइकाट कर दिया तीन साल तक शेब अभी तालीम रहे फिर इसी तरह छः सौ उन्नीस ईस्वी को आमुल आमजन कहा जाता है चचा अबू तालिब दुनिया से गुजर गए आपकी बीवी उमुल खदीजा रजी अल्लाह तआला भी गुजर गईं 620 ईस्वी में मेराज का वाकया है 622 सौ बाईस ईस्वी मदीना की तरफ आपने हिजरत की मदनी दौर 622 ईस्वी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की 624 ईस्वी में गजव बदर है और मुसलमानों की फतह पहली जंग है सत्रह रमज़ान को 624 ईस्वी में बनू कैनक़ा की जिलावतनी 625 ईस्वी में गजव उहद जो मदीना के अंदर ही है छः सौ पच्चीस ईस्वी में बनु नज़ीर की जिलावतनी यहूदियों के तीन कबीले आबाद थे बनु कुरैजा बनु कैनका बन नज़ीर छः सौ सत्ताईस ईस्वी में गजव खंदक और मुसलमानों की फतह जिसको गजवए अहब भी कहते हैं छः सौ सत्ताईस ईस्वी में गजव बनी कुरैजा फिर इसी तरह छः सौ अट्ठाईस ईस्वी में सुलह हुदैबिया छः सौ उनतीस ईस्वी में गजब खैबर और छः सौ उनतीस ईस्वी ही में गजव मूता और छः सौ तीस ईस्वी में फ़ते मक्का छः सौ तीस ईस्वी में गज़व हुनैन छः सौ तीस ईस्वी में गज़व ताइफ छः सौ बत्तीस ईस्वी में हजतुलदा और छः सौ बत्तीस ईस्वी में नबी दुनिया से रुखसत हो गए आइए एक मुतसरसा वाक़ बयान करते हैं बाईस अप्रैल पाँच सौ इकहत्तर ईस्वी को नबी सली वम वाक़ फील से पचास या पचपन दिन पहले पैदा हुए बीस या बाईस अप्रैल नौ रबील को नबीम पैदा हुए मक्का में पैदा हुए चार या पांच मिलादल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त पाँच साल की थी आपका सीना चाक किया गया फिर इसी तरह आपको दूध पिलाने में आपने अपनी अम्मी का दूध पिया उसके बाद हलीमा सादिया का दूध पिया है छः साल की उम्र में आपकी वालिदा आमिना का इंतकाल हो गया सोलह साल की जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी तो फजूल अमन एक कमेटी बनी उसमें आप शरीक रहे पच्चीस साल के जब हुए तो खदीजा रज़ील् तब की शादी हुई उनकी उम्र चालीस साल थी जब आप पैंतीस साल के हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ान काबा की तामीर नहीं कुछ करनी थी तो हजर अस्वद को कौन रखेगा तो आप सल्लल्लाहु सल्लास ने झगड़ा छुड़ा दिया तो नबी बनने से पहले भी आप लोगों का झगड़ा छुड़ाया करते थे और नबी बनने के बाद भी झगड़ा छुड़ाया करते थे सोशल वर्क में आगे आगे रहते थे चालीस साल की जब उम्र हुई तो दस अगस्त छः ईस्वी को पहली वही उतरी आप नबी बनाए गए जब आपकी उम्र छियालीस साल की हुई तो अबू जहल ने आपको कत्ल करने का मनसूबा बनाया जिसका तस्करा सूर्ल सोलह नंबर छियानवे में है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सैंतालीस साल की थी फोर्टी सेवन तो तीन साल के लिए शेब अबी तालिब अबू तालिब के डिटेंशन केम्प में बंद कर दिए गए जब पचास साल के हो गए तो आपकी ये असिरी ख़त्म हो गई रिहाई मिल गई वहाँ से पचास साल की उम्र में आपने सौदा से निकाह किया ग्यारह नबूवत यानी नबी बनने के ग्यारह साल के बाद उम्र आयशा नायशा रजील त से निका हुआ मगध रुखसती बाद में हुई जिस वक्त निकाह हुआ छः साल की उम्र थी जब रुखसती हुई तो नौ साल की थी बारह नबूत नबी बनने के बारह साल के बाद आपके सीने को दोबारा चाक किया गया गोया के हार्ट ऑपरेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दो बार हो चुका है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तिरपन साल की थी तो कुरैश मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मनसूबा बनाया तेरह सितंबर छः सौ बाईस ईस्वी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत कर गए मक् कोलविदा कहा उस वक्त आपकी उम्र 53 थ्री तिरपन साल थी तेरह साल मक्का में रहे 22 सितंबर 622 सौ ईस्वी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन मदीना मनवर पहुंचे 12 रबी अलावल को अबू ऐब अंसारी रजील्ला के घर मेहमान रहे उम्रमोमिनयशा रज़ील् तैन की उसी दरमियान रुखसती हुई दो हिजरी गजवा बदर है तीन हिजरी में गजवा उहद है फिर इसी तरह चार हिजरी में हादसा रजी उम सलमा रज़ील्ला तैाला से निका भी है जैनब बिनत ख़ुजैम रज़ी तह का इंतकाल उसका जिक्र है पाँच हिजरी में गजव दौमत ज्जंदल है गजवः अहज़ाब खंदक है फिर इसी तरह वाक़ इफ़क भी है जो उम्र मोमिनी नायशा रज़ील् तौना पर मुनाफिकों ने इल्ज़ाम लगाया था छः हजरी में सुलह उदुदैबिया है उम हबीबा रज़ील् तैन से निका है सात हजरी में बादशाहों के नाम आपने खुतुब लिखे क्योंकि उदैबिया के बाद दस साल का माहिदा हुआ था कुरश तो आपने बादशाहों के नाम है रकल है किसरा है सब के नाम आपने ख़त लिखे खैबर सात हिजरी में खैबर का वाक़ है सफ़िया और ममूना से तिका है सात हिजरी में नबी सल्ला वल् ने उमरतल्क़ा अदा किया है आठ हिजरी में गजब मोहता है उसके बाद फ़तेह मक्ा भी है नौ हिजरी में गजब तबूक है नौ हिजरी और दस हिजरी में नबी वसल्लम के पास बहुत सारे वफद आए लोग आए और इस्लाम कबूल किए दस हिजरी में हजतुलवादा नबी सल्लम ने एक ही हज किया है और चार उम्रें की है बस ग्यारह हिजरी में उनतीस सफ़र को नबी वम की बीमारी शुरू हुई बारह या तेरह दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार रहे बारह रबी अव्वल पीर के दिन चाश के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए इन्ना व इन्ना राज आप की उम्र उस वक्त तिरसठ साल की थी चौदह रबी अलवल बरोज़ बुध रात के वक्त हुज आयशा में जहाँ नबी सल वसम दुनिया से रुखसत हुए वहीं दफन किए गए लोग अलग अलग आके नमाज़ पढ़े कोई इमाम नहीं था पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले उसके बाद महाजरीन उसके बाद अनसार उसके बाद मर्द बच्चे और औरतें इस तरीके से उन लोगों ने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ग्यारह बीवियाँ थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए उस वक्त नौ बीवियाँ ज़िंदा थी और दो बीवियों का इंतकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हो चुका था चार बेटियाँ थीं जैनब उम्मूम रुक़्या फ़ातिमा रजवानल आलिन नाजुमाइन और तीन बेटे थे कासिम अब्दुल्ला और इब्राहिम कासिम उसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसलम अबुल कासिम है और अब्दुल्ला उसी का लकब तैयब व ताहिर है और तीसरे लड़के थे इब्राहिम जो मारिया किपतिया से थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दो लउंडियाँ थी मारिया किफतिया और रेहाना इकराम आप हमारे साथ सौ एपिसोड में रहे आपने सौ एपिसोड में क्या क्या सुना है मैं ज़रा बता देता हूँ नंबर एक सीरतनबी वसम की ज़रूरत क्यों है नंबर दो जज़ीर अरब नंबर तीन जद्द अली सलाम नंबर चार मक्का को किसने आबाद किया नंबर पाँच अरब की हुकूमत और सद्दारियाँ नंबर छः नबी वसलम का खानदार नंबर सात फ़ील हाथी वाला वाक़ नंबर आठ नबी वे के वालदे माँ बाप नंबर नौ नबी सल वसलम की पैदाइश नंबर दस दाई हलीमा नंबर ग्यारह बहैर राइब नंबर बारह फजूल अमन कमेटी नंबर तेरह खदीजा रजील्लाहा शादी नंबर चौदह हजर असवद का झगड़ा नंबर पंद्रह पहली वही नंबर सोलह दूसरी वही नंबर सत्रह दावत तबलीग का हुक्म नंबर अठारह वही की किस्में नंबर उन्नीस पोशीदा खुफिया दावत के तीन साल नंबर बीस नबी सल वसम कोहे पर नंबर इक्कीस मजलिस शुरा का क्या काम था नंबर बाईस नबी सली व् पर झूठा इल्ज़ाम नंबर तेईस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर म वितम नंबर चौबीस सहाब कराम पर ोम नंबर पच्चीस पहली हिजरत हफशा नंबर छब्बीस दूसरी हिजरत हफशा और कुरैश की साजिश नंबर सत्ताईस नजाशी के दरबार में जाफर तैयार की तकरीर नंबर अट्ठाईस अबू तालिब को कुरैश की धमकी नंबर उनतीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की, की साजिश नंबर तीस उमर इस्लाम ले आए रज़ी अल्लाह नंबर 31 कुरैश का नुमाइंदा उतवा बिन रबिया अबुल वलीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नंबर बत्तीस मुकम्मल बाईकाट नंबर तैंतीस शेब अबी तालिब अबू तालिब की घाटी में तीन साल नंबर चौंतीस अबू तालिब से मिलने कुरैश का आखिरी वफद नंबर पैंतीस अबू तालिब की वफा नंबर छत्तीस उम्रमिन खदीजा रजी रजील्हा की वफा नंबर सैंतीस मुसलमानों ने म व सतम कैसे बर्दाश्त किया नंबर अड़तीस अलैहि वसल्लम तयफ में नंबर थर्टी नाइन अलैहि वसल्लम की जिन्नात से मुलाकात नंबर चालीस तुफैल बिन अमर दौसी मुसलमान हो गए नंबर इकतालीस जमाद अजदी मुसलमान हो गए नंबर बयालीस अबू जरगारी मुसलमान हो गए रजी अल्लाह तन नंबर तैंतालीस यसरफ मदीना के छः नेक लोग नंबर चवालीस इसरा व मराज नंबर पैंतालीस पहली बैत अकबा नंबर छियालीस मदीना में इस्लाम के पहले सफीर और मबलिक मुसबिन उमैर रजील्नों नंबर सैंतालीस दूसरी बैत अकबा नंबर अड़तालीस सहाब कराम की मदीना की तरफ हिजरत, नंबर 49 नाइन दारुलवा में मीटिंग और नबी सल्ल व् के घर का घिराव नंबर पचास नबीम की मदीना की तरफ हिजरत नंबर इक्यावन फिफ्टी वन गारे सौर बावन बिन मालिक तिरपन उम मावत का ख़ीमा नंबर चौवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में नंबर पचपन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में नंबर छप्पन हिजरत के वक्त मदीना के दाखिली हालात नंबर सत्तावन मस्जिद नबी की तामीर नंबर अट्ठावन मुसलमानों का भाईचारा फिफ्टी नाइन मिसाक़ मदीना जो अहद अहदोपमान लिखा गया उसका जिक्र है नंबर साठ कुरैश की धमकी इकसठ सलमान फारसी रज़ी त मदीना में बासठ मुसलमानों के लिए खान काबा का दरवाज़ा बंद तिरसठ सराया और गजवा चौंसठ गजवे बद्र पैंसठ बिन अशरफ यहूदी का कत्ल छियासठ उहद सरसठ रजी का दर्दनाक वाक़ सिक्सटी एट बर का दर्दनाक वाक़ सिक्सटी नाइन बनू नज़ीर, सेवेंटी सत्तर गजव अहजाब ग खंदक इकहत्तर गजव बनी कुरैज़ा, बहत्तर अबूराफ़ यहूदी का कत्ल तिहत्तर सुमामा बिन उसाल की गिरफ्तारी चौहत्तर गजव बनी मुस्तलिक पचहत्तर गौरस बिन हारिस का वाक़ छिहत्तर मुनाफिकों का पर्दाफाश सतहत्तर वाक़ इफ्त जो आयशा रज़ील् तौन पर मुनाफिकों ने इल्ज़ाम लगाया था सवेंट एट ओकल और का वाक़ा सेवनटी नाइन सुल्हुदैबिया अस्सी अमरबिन आस और खालिद बिन वलीद रजाम मुसलमान हो गए नंबर इक्यासी बादशाहों के नाम खतूत किस बादशाह ने सलाम कबूल किया एट्टी टू किसरा ने नबीम का ख़त पढ़ा और फाड़ दिया एटी थ्री कैसरे रूम ने सलाम कबूल नहीं किया एट्टी फोर गजवः खैबर एटी फ़ाइव गजविर रका छियासी उमराज़ा सत्तासी जंग मोता एटी एट फतेह मक्का एटी नाइन 90 हुनैन नब्बे 91 ताइफ नाइन्टी वन जयराना में अनसार से नबी वसल्लम का रोला देने वाला ख़िताब नाइन्टी टू गजव तबूक नाइन्टी थ्री काबिन मालिक और उनके दो साथियों का वाक़ गजव तबूक में रह जाने वाले तीन मुखलसन नाइन्टी फोर लोग के दिन में फ़ौज दर फौज दाखिल होने लगे नाइन्टी फाइव दावत की कामयाबी और असरा 96 सिक्स हजतुल नबी वसल्लम का हज 97 सेवन आखिरी फ़ौजी मुहिम लश्कर उसामा की रवानगी 98 एट नबी सल्ला वसम दुनिया से रुखत हो गए नाइन्टी नाइन उम महतमिन मोमिनों की माए रजवानल आज़माइन और हंड्रेड मुख्तसर सैरतनबी सम तो अलहद ला अल्ला की तोफ़ी के बाद आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि सौ एपिसोड तक हमारे साथ रहे इसी तरीके से आपकी मोहब्बत रही तो नया प्रोग्राम लेकर आएंगे इन और उसके बाद मैं अपनी टेक्निकल टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दिन रात मेहनत से यह प्रोग्राम तैयार हुआ है और आप तक पहुँचा है इसी तरह आपकी मोहब्बत रही तो इन और नए प्रोग्राम बनाएंगे आप हम सब के लिए दुआ कीजिए हमारी टेक्निकल टीम के लिए दुआ कीजिए ताकि नए नए प्रोग्राम बनाते रहें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग को नबी वसल्लम की सीरत को पढ़ने समझने अमल करने और उसके पैगाम को लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे आमीन आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ सुबह व बरकातहू का वतुब वसलमकुम वरम वर्क